शाजापुर में एक महिला की मंगलवार को संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। महिला की मौत के मामले में मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने कोतवाली थाने पर पहुंचकर धरना दिया और महिला के ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च प्रवेश प्रारंभ। डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम और सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप। परिजनों ने एक वीडियो भी वायरल किया जिसमें मृतक महिला का पति कृष्णपाल अपनी प्रेमिका के साथ नजर आ रहा है। परिजनों ने बताया, प्रेम प्रसंग के चलते हमारी बहन को प्रताड़ित किया जाता था। लंबे समय से दहेज की मांग करके उसके साथ मारपीट भी की जाती। महिला पूजा की शादी ग्राम मेहंदी निवासी कृष्णपाल के साथ 3 साल पहले हुई थी। वर्तमान में महिला शाजापुर की गोरधन कॉलोनी में अपने ससुराल वालों के साथ रह रही थी। महिला की एक बेटी भी है और वह गर्भवती थी। मायके वालों ने बताया कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और उन्होंने दहेज की मांग भी पूरी की थी। उन्होंने बताया कि आज दोपहर में हमारे पास उनके ही किसी परिजन ने फोन किया कि पूजा को अस्पताल लेकर आए हैं, जबकि उसकी सुबह ही मौत हो चुकी थी। मायके वालों ने आरोप लगाया कि उसकी बहन की हत्या की गई है। उक्त मामले में आज रात मायके वालों ने थाने पर भी धरना देकर ससुराल पक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कोतवाली थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा ने परिजनों को समझाइश दी और बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद महिला की मौत कैसे हुई पता चलेगा। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। कोतवाली थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा का कहना है कि महिला के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। महिला की मौत कैसे हुई इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। मामला जांच में लिया है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी हम तो अभी आए शाम को 4 बजे और गाँव वालों ने बताया कि उनकी हत्या कर दी गई है घर पे, और यहाँ पे आके मालूम पड़ा कि 9 बजे का मार दिया उसको, और पिछले 2 साल से परेशान कर रहे हैं वो। दहेज के चक्कर में दहेज भी दिया, पहले 5 लाख रुपए सोना भी दिया 5-7 तोला उनको, उसके बाद में भी उनकी सास ससुर जेठानी जेठ और बाकी उसका हस्बैंड सब प्रताड़ित करते थे उसको, परेशान करते थे। और कल परसों वहाँ से लेके आए पियर से, कल ही लाए और आज मार दिया सर। कहाँ से लाए, कौन सा गाँव? राजपुरा से। राजपुरा, राजपुरा से ससुराल का था इनका? ये यहाँ पे मेहंदी शाजापुर रहते थे प्रॉपर, शाजापुर रहते थे, अभी शाजापुर रहते। तो आप किन किन लोगों पे आपको डाउट है? उसके सास ससुर जेठ जेठानी और उसका हस्बैंड मेन, सास और हस्बैंड मेन है, और एक वो लड़की है सलोनी जिसके अफेयर के चक्कर में करा सर। क्या नाम है आपका? मैं अजय सिंह पवार। कहाँ के हो? राजपुरा। आप कौन लगते हो लड़की? मैं इसका भाई हूँ। क्या नाम था लड़की? पूजा पवार। उनके नाम क्या? सलोनी। बच्ची पूजा कुंवर नाम था सर लड़की का, और यहाँ पे शादी हुई थी सर शाजापुर में सर। उनका रात को मार दी उसको, और हमको फ़ोन भी नहीं लगाया सर कुछ, ने पड़ोस वाले ने फ़ोन लगाया और हम पीएम करवा रहे सर यहाँ हॉस्पिटल। क्या नाम था आपके लड़के का? पूजा कुमार। कहाँ पे शादी करी थी? शाजापुर मेहंदी सर। शाजापुर मेहंदी। और आप कहाँ से हो? राजपुरा। आपने पुलिस कंप्लेंट करी? सर अभी तो नहीं करी, अभी नहीं करी। क्या नाम है आपका? मेम्बर सिंह पवार। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च प्रवेश प्रारंभ। डी फार्मा, वी फार्मा, एम फार्मा, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम और सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप। हमारा पता है यूनिवर्सिटी रैली लिंक रोड बाबूपुरा सागर मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7617309253, 8319189545।